कोटक महिंद्रा बैंक पर एक्शन, ग्राहकों को टेंशन। कोटक का सिस्टम, ग्राहक हुए बेदम। क्या बैंक में डूब जाएगा आपका पैसा? कोटक महिंद्रा बैंक में क्या चल रहा है? जी न्यूज की पड़ताल, हर सवाल का जवाब। तो कोटक महिंद्रा बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने कोटक की लापरवाही पर यह बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक आरबीआई की चेतावनी के बाद भी लगातार लापरवाही दिखा रहा था। 2022-2023 की टेक्नोलॉजी जांच के बाद यह फैसला लिया गया। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी रखने से रोक लगा दी। ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग माध्यम से नए ग्राहक जोड़ने पर भी रोक लगाई गई। आरबीआई ने कहा कि जरूरत पड़ी तो आगे और भी एक्शन लिया जा सकता है। तो कोटक का महिंद्रा पर आरबीआई का जो एक्शन है वो जरा बता देते हैं। दरअसल ऑनलाइन नए कस्टमर जोड़ने का पर रोक लगा दी आरबीआई ने, और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी बैन लगा दिया। 2022-23 की टेक्नोलॉजी जांच के बाद फैसला लिया गया। चेतावनी के बाद भी सुधार ना होने पर एक्शन लिया गया। ग्राहकों को 2 साल में कई बार परेशानी उठानी पड़ी, कमियां ठीक करने में बैंक नाकाम रहा। ऑडिट पूरा होने पर प्रतिबंधों की होगी समीक्षा, मौजूदा कस्टमर्स पर बैन का असर नहीं है। तो कोटक महिंद्रा बैंक पर एक्शन क्यों लिया गया है ये भी आपको बताते हैं। आईटी सिस्टम में खामियां थी, 2 साल से आ रही थी समस्या। आरबीआई ने बैंक से जवाब भी मांगा, जवाब से आरबीआई संतुष्ट नहीं था, इसी वजह से ये एक्शन लिया गया। तो जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं कि आखिर आरबीआई ने कोटक बैंक पर एक्शन क्यों लिया। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर बड़ा और कड़ा एक्शन लिया है। इस कड़े एक्शन में 2 खास बातें हैं। पहली ये कि आरबीआई ने कहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक अब किसी तरह का कोई नया क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर पाएगा। यही नहीं, दूसरा बड़ा एक्शन ये हुआ कि मोबाइल बैंकिंग के जरिए या इंटरनेट के जरिए अब किसी भी नए कस्टमर्स को वो नहीं ले पाएंगे। यानी कि अगर कोटक बैंक में किसी को अकाउंट खुलवाना है तो उसे सीधे सीधे ब्रांच पर जाकर ही खुलवाना होगा। और आपको तो पता है आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है और ज़्यादातर लोग अकाउंट खुलवाते हैं नेट बैंकिंग से या फिर मोबाइल बैंकिंग से, और उस पर आरबीआई ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया है। आरबीआई ने पिछले 2 साल से लगातार कोटक बैंक को कई सारी चेतावनियां दी, कहा है भाई समझ जाओ, सुधर जाओ, वक्त है, लेकिन उसका कोई असर हुआ नहीं। अब आरबीआई की तरफ से इतना कड़ा कदम उठाने की वजह क्या है, और ये वजह है बैंक का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में बैंक का कामकाज बेहद ढीला है, ऐसा आरबीआई का मानना है। और आरबीआई ने पिछले 2 सालों में बैंक को बार बार कहा समझ जाओ, सुधर जाओ, लेकिन बैंक पर असर पड़ा नहीं। आईटी इंफ्रा में गड़बड़ियां मिली 2022 और 2023 में जो आरबीआई ने इनके खिलाफ जांच की। इसके अलावा आईटी का रिस्क मैनेजमेंट भी बराबर नहीं था। ऑनलाइन सिस्टम में पिछले 2 साल में कई बार गड़बड़ियां पाई गई और उसके बाद बैंक पर आरबीआई की तरफ से ये बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा। एक्शन की बात काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अभी एक्शन क्यों आया है ये समझना जरूरी है। 15 अप्रैल ये वो दिन था जब सैकड़ों कस्टमर्स इस बैंक के मोबाइल ऐप के जरिए बैंकिंग नहीं कर पाए, नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड के इस्तेमाल में दिक्कतें आई। और लगातार चेतावनी के बाद जब कोटक बैंक की तरफ से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरता हुआ नहीं दिखा तो आरबीआई ने यह बड़ा कड़ा एक्शन उठाया ग्राहकों के हित में। अब लगातार 2 साल से जो कुछ भी दिक्कतें हो रही है उसकी वजह से कस्टमर्स को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी है, और यही वजह थी कि आरबीआई ने कहा कि एक रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए, रोक लगाई जाए कि अब कोटक बैंक नए कस्टमर्स नहीं जोड़ पाएगा नेट बैंकिंग के जरिए, मोबाइल बैंकिंग के जरिए, और साथ ही नए क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर पाएगा। अब वापस कोटक बैंक कब नए कस्टमर्स ले पाएगा या नए क्रेडिट कार्ड्स इश्यू कर पाएगा? एनालिस्ट ये मानते हैं कि कम से कम 3 से 6 महीने तो गए, हो सकता उससे भी ज़्यादा समय लगे। और अगर आप रिकॉर्ड देखें पुराना,
HDFC बैंक के साथ इसी तरह का केस हुआ था और HDFC बैंक को 9 से 12 महीने लगे थे। अगर कोटक बैंक बहुत जल्दी भी करे तो भी 3 से 6 महीने तो कम से कम लगेंगे। और इनफैक्ट HDFC बैंक को अगर 9 से 12 महीने लग सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कोटक बैंक को कहीं ज़्यादा समय लग सकता है, यानी कि लंबे समय तक इनके बिजनेस पर असर पड़ेगा। करना क्या होगा, बैंक को अपने सिस्टम सुधारने होंगे, अपने सिस्टम का एक्सटर्नल ऑडिट करवाना होगा, किसी बाहर की एजेंसी से ऑडिट करवाना होगा। ऑडिट के बाद जो कुछ भी कमियां दिखती है उन कमियों को सुधार करके RBI को देनी होगी रिपोर्ट। RBI समीक्षा करेगा, संतुष्ट होगा तो उसके बाद ही पाबंदियां हटाने पर फैसला लेगा, विचार करेगा। सो लंबा प्रोसेस है, मुझे लगता है कि 6 महीने से लेकर 15 महीने के बीच में कुछ भी समय हो सकता है, जितने समय तक कोटक बैंक अपने नए कस्टमर्स ऑनलाइन न जोड़ पाए और साथ ही क्रेडिट कार्ड इश्यू न कर पाए। अब बैंक के कामकाज और कस्टमर्स पर क्या असर होगा ये भी समझना जरूरी है। पहली बात तो ये कि क्रेडिट कार्ड बैंक इशू नहीं कर पाएगा। जाहिर सी बात है कि दूसरी क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली बैंक्स को, कंपनियों को होगा फायदा, स्पेशली SBI कार्ड जैसी कंपनियों को फायदा हो सकता है। क्रेडिट कार्ड के कारोबार में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है और जाहिर सी बात है इससे नुकसान कोटक बैंक को होगा, वो पीछे रह जाएंगे। दूसरे क्रेडिट कार्ड्स जो भी हैं मार्केट में उन पर ऑफर बढ़ सकते हैं और वो कोशिश करेंगे जो कस्टमर्स कोटक बैंक के पास जा सकते थे वो उनके पास आए। नेचुरली क्रेडिट कार्ड के जरिए और नए अकाउंट खोलकर जो इनकी इनकम होती थी उस इनकम पर असर पड़ेगा। IT सिस्टम में लगातार परेशानियां बनी रही तो इनके कस्टमर्स जो अभी हैं वो भी छोड़कर जा सकते हैं। नए कस्टमर्स तो आने से रहे, अगर वो आएंगे तो भी ऑफलाइन आएंगे, ऑनलाइन तो आ ही नहीं सकते। एक और बड़ी बात ये है, कोटक ने अपने एक कोटक 811 इस सर्विस के जरिए बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कस्टमर्स जोड़ रहा था, तो ज़्यादातर कस्टमर्स ऑनलाइन आ रहे थे। अब वो नए कस्टमर्स एक्विजिशन पर बड़ा सवाल लग गया है और साथ ही बैंक खुद का डिजिटल पेमेंट सर्विस लाने वाला था। अब जिस तरह से RBI ने कहा है ऐसा लगता है कि RBI ही रुकने वाला नहीं, क्योंकि RBI ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि हम लगातार चेतावनी दे रहे थे और अब जरूरत पड़ने पर हम आगे और भी एक्शन ले सकते हैं। अगर RBI की तरफ से एक्शन और बने तो फिर ये सर्विसेज तो नहीं लॉन्च होने की आप भूल ही जाइए। अब इस प्लान में देरी होना बिल्कुल पॉसिबल है। UPI ट्रांजेक्शन के मामले में भी कोटक बैंक 9वें नंबर पर है, जाहिर सी बात है उसके UPI ट्रांजेक्शन भी अब तेजी से घटते हुए दिखेंगे। पूरी बात यह है कि कोटक बैंक पर जो एक्शन हुआ है RBI का वो बेहद कड़ा है, बेहद बड़ा है और आगे चलते हुए कोटक बैंक को कुछ और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही पूरा मामला सुलझने में 6 महीने से 15 महीने का वक्त आसानी से लग सकता है और तब तक बैंक को बिजनेस करने में और क्रेडिट कार्ड को और नए इश्यू करने में भारी मुश्किल आएगी।